जिंदा बच्चे को मृत बताकर उसके परिजनों को देने के मामले में दिल्ली के शालीमार बाग के एक अस्पताल ने कार्रवाई करते हुए दो डॉक्टरों को निकाल दिया है। अस्पताल ने बयान जारी करते हुए कहा कि हालांकि इस मामले में अस्पताल द्वारा की जा रही जांच अब तक जारी है, इस मामले से जुड़े डॉक्टरों को निकालने का निर्णय लिया गया है। बीते महीने की एक सुबह अस्पताल में एक महिला ने जुड़वां बच्चों को, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया था। बच्ची मृत ही पैदा हुई थी। अस्पताल ने बच्चे के माता पिता को बताया कि दोनों बच्चे मृत पैदा हुए हैं और उन्हें दोनों बच्चों को एक पॉलिथीन बैग में सौंप दिया गया, लेकिन उनके अंतिम संस्कार से ठीक पहले परिवार ने पाया कि एक बच्चा जीवित है। यदि अस्पताल को मेडिकल लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो इसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।